यूक्रेन समेत अन्य देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद लौटी स्टूडेंट्स अब डॉक्टरी के तमगे के लिए चक्कर काट रही है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास करने के बावजूद करीब 900 से अधिक चिकित्सकों को इंटर्नशिप के लिए सीट आवंटित नहीं हुई। इसके चलते बतौर चिकित्सक ना तो रजिस्ट्रेशन बुक करवा पा रहे हैं और ना ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने शहीद स्मारक पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान चिकित्सक प्रतिनिधियों से खास बातचीत की संवाददाता विकास शर्मा। 5 साल पहले डॉक्टरी का ख्वाब सजाने के लिए विदेश में पढ़ाई करने गए स्टूडेंट जो है पिछले लंबे समय से संघर्ष की राह पर है। संघर्ष इस बात को लेकर के है कि MBBS कंप्लीट करने के बावजूद उनको इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है और इंटर्नशिप नहीं होने के चलते वो डॉक्टर का जो उनका तमगा है वो उनको नहीं मिल पाया है और इसी वजह से लगातार प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन किए जाए और उसी के तहत आज जो प्रदर्शन जो है उसके तहत जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जो कि विदेश से ग्रेजुएशन करके आए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपका इशू है, क्या विवाद है और किस स्तर तक आपने बातचीत की है लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? सर, सबसे पहले तो नमस्कार। हमारा विवाद ये है कि सर 20 जनवरी को हमारा FMG का एग्ज़ाम हुआ था। सब ये बाहर से MBBS करके आए हुए हैं डॉक्टर्स है जिन्होंने सारे रूल रेगुलेशन के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी की है। यहाँ से जाने से पहले एग्ज़ाम होता है, वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। यहाँ से जाने से पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है NMC से, वो भी इन्होंने लिया है। सारी वेरिफिकेशन के बाद ये विदेश पहुँचे। विदेश से आने के बाद यहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है FMG का, वो भी क्लियर किया है इन्होंने। तो ये पूरी तरीके से डॉक्टर है लेकिन इनको सीट नहीं मिल पा रही। तो इशू यह है कि 1365 पास हुए थे सर, 3 फरवरी को रिजल्ट आया। राजस्थान में 1365 डॉक्टर पास हुए थे FMG का एग्ज़ाम, उसमें से सर केवल 399 स्टूडेंट्स को सीट मिली है। अभी भी 966 जो पीछे बैठे हैं, 966 डॉक्टर अभी इनका भविष्य अंधकार में है। कहाँ कहाँ से MBBS किया आप लोगों ने और कितने साल लग गए आपको, क्योंकि यूक्रेन जैसा युद्ध जो है वो आपने झेला, कई लोग वहाँ से भी है, चाइना से भी है, पूरी कह सकते हैं अपना घर बार छोड़ करके आप लोग वहाँ गए थे पढ़ाई के लिए? सर, यहाँ पे अभी सभी देशों से लगभग चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, यूक्रेन, इवन यूक्रेन, चाइना में भी सर कोरोना आ गया था, उस टाइम से परेशान होकर कैसे कैसे निकल के आए घर पे। क्या नाम है मैडम आपका? सर, मेरा नाम विद्योत्मा है। कहाँ से किया MBBS आपने? कजाकिस्तान से। कितने साल लग गए? 5 साल। अब क्या उम्मीद है आपको, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जो झेलनी पड़ रही है सर, जो ये मतलब हमारा धरना चल रहा है या जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो सर हमें कोई उम्मीद लग नहीं रही है क्योंकि हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें डांट के भगा दिया जाता है कि कोई सीट नहीं मिलेगी, हमारे साथ बदतमीजी भी करी जाती है। बट मेन बात ये है सर, एटलीस्ट क्योंकि हमें 2 साल की इंटर्नशिप भी करनी है अभी, क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने ये रूल निकाल दिया है कि अब 2 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट हमें टाइम पर इंटर्नशिप तो प्रोवाइड कराई जाए। 2 साल 3 साल वो बात का बाद में देखा जाएगा, तो बाद में नीट PG भी हमें देना है क्योंकि ऑब्वियसली हम जनरल फिजिशियन बनके तो नहीं रह सकते, हमने इतना पैसा खर्च किया। एक बात और है कि आप की जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में सीटें कितनी अलॉट की गई थी और कितनी सीटें उम्मीद है आपको मिलनी चाहिए इस तरह की, और जो MBBS कंप्लीट करके आए थे उनके लिए आगे का स्कोप क्या रहेगा, क्योंकि PG करनी है तो उसके लिए भी? सर, NMC की तरफ से 2000 से ज़्यादा सीटें दी गई हैं FMG के लिए इंटर्नशिप करने के लिए राजस्थान के अंदर, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने सिर्फ 399 सीट्स पे ही स्टूडेंट्स को लिया है। बाकी सारे स्टूडेंट, 966 स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं सर, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, अप्रोक्स 1 मंथ से सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल, क्या ऐसा पेज फंसा हुआ है जिसकी वजह से अभी आप डॉक्टरी नहीं कर पा रहे हो? सर, ये स्टेट गवर्नमेंट की वजह से नहीं हमारी इंटर्नशिप हो पा रही है। इंटर्नशिप हो जाएगी तो क्या होगा? इंटर्नशिप होने के बाद में सर हम MO का एग्ज़ाम दे सकते हैं या PG के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बिना इंटर्नशिप के लिए हम कहीं ना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हमारा तो FMG पास करना भी ना के बराबर है। ये डॉक्टर्स की पीड़ा है कि 5 साल घर से बाहर रहकर पढ़ाई की, MBBS किया और उसके बावजूद अब वो प्रैक्टिस तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जो इनकी डिमांड्स है और जो जाहिर डिमांड है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनको जो इनकी डिमांड के अनुरूप इनको जो इंटर्नशिप है वो जल्द से जल्द की जाएगी ताकि ये लोग जो है वापस से मानवता की सेवा में काम कर सके। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।